राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज एक दिव्य काढ़े का प्रयोग बताने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है कोरोना महामारी, यानी एक ऐसी बीमारी जिससे बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको घर बैठे कुछ सामग्रियों से, जो आपके किचन से, आपकी रसोई घर से आपको प्राप्त हो जाएंगे बड़े ही सहज और सरल तरीके से, उनसे आप एक दिव्य काढ़ा बना सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा, आपकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे आप इस रोग के संक्रमण में आने से, जिससे आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं क्या क्या सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार से उसको प्रयोग करना है। आयुर्वेद में कहा गया है कि आप जो है दिव्य काढ़े का प्रयोग करके अपनी ऊर्जाओं को बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। जैसे कि सबसे उत्तम कहा गया है तुलसी, तुलसी का पौधा, तुलसी की पत्तियाँ काढ़े के रूप में बहुत प्रयोग की जाती है आयुर्वेद शास्त्र में। दूसरा है हल्दी, हल्दी का प्रयोग आयु बढ़ाने के लिए और रोगों को दूर करने के लिए आयुर्वेद में बड़े ही गहन रूप से लिया गया है। तीसरा है अदरक, अदरक का प्रयोग भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। चौथा लौंग, लौंग का प्रयोग भी इसी निमित्त किया जाता है। और पाँचवा है बड़ा ही दिव्य, जो आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है गिलोय, जिसे अमृता के रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रयोग करने से मनुष्य रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो इन पांच सामग्रियों को आपने लेना है, ये सहज रूप से आपके किचन से आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसमें से जो एक औषधि है गिलोय, उसको आपको मार्केट से या आसपास से कहीं भी आपको गिलोय की बेल प्राप्त हो जाती है, तो उसकी डंडियाँ आप ले सकते हैं, उसकी पत्तियाँ आप ले सकते हैं, उनका प्रयोग आपने इस काढ़े में करना है। तो चलिए विधि को जानते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाना चाहिए। उससे पहले जान लेते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि इस काढ़े का जो भी मनुष्य प्रयोग करता है वह सभी रोगों से मुक्त रहता है, उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वह बढ़ जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता उसके शरीर में विकसित हो जाती है। सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, वायरस है, किसी भी प्रकार की जीवाणु कीटाणु से संबंधित कोई रोग, बैक्टीरिया आदि उसको प्रभावित नहीं कर सकते। इसमें और भी चीज़ें आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से इन्हीं सामग्रियों को लेकर आपने काढ़ा बनाना है। तो चलिए जानते हैं विधि। सबसे पहले आपको आधा लीटर पानी लेना है, यानी कि 500 ग्राम। उसमें आधा चम्मच दालचीनी आप डाल दीजिए। उसमें काली मिर्च आप 2 से 4 पीस 5 पीस आप डाल सकते हैं। उसमें 2 ग्राम अदरक का पीस डाल दीजिए। 2 ग्राम उसमें आप हल्दी डाल दीजिए। उसमें कम से कम 7 पत्ते या 11 पत्ते तुलसी के आम डाल दीजिए। इन सबको डाल के आप आधे घंटे के लिए इसको चूल्हे पर, गैस पर कम आँच में, लो फ्लेम में आप इसको चढ़ा दीजिए। धीरे धीरे जब काढ़ा पकता जाएगा, जब उसमें से 250 ग्राम काढ़ा बचता है, यानी 1 पाव, तब आप उसको नीचे उतार लीजिए। अच्छी तरीके से इसको ठंडा कर लीजिए और ये सब सामग्रियाँ जो आप डालेंगे, इनको पहले अच्छी तरीके से आप कूट लें, इनको बारीक कर लें। जो तोड़ने वाली है उनको तोड़कर डाल सकते हैं, जो कूटने वाली सामग्रियाँ हैं उनको आप कूट कर डालें, तो इसका और अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि आप इसको मीठा करना चाहते हैं तो इसमें भूलकर भी चीनी न डालें। यदि आप इसमें चीनी डालते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसमें आप गुड़ डाल सकते हैं मीठा करने के लिए। आप बाद में इसको छानकर कप या गिलास में कर लेंगे तो आप शहद भी मिला सकते हैं। अधिक पावरशाली यह काढ़ा आपके लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से मीठा आप करके इसको धीरे धीरे सिप सिप करके आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक बार में आप जितना काढ़ा पी लें उतना ही काढ़ा आपको बनाना चाहिए। तो आयुर्वेद कहता है कि इस काढ़े को पीने से निरंतर आपको ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, रोगों से लड़ने के लिए सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब बीमारियाँ आपसे दूर रहेंगी। और आजकल तो बड़ा ही अनुभव में ये प्रयोग आ रहा है। इस काढ़े का आप भी प्रयोग करिए, आनंद उठाइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार ज्ञानप्रद वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। श्री राधे।